तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम लोगों को आज पढ़नी है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.4। और इस एक्सरसाइज में हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशन, ओके। अब ध्यान से देखिए ये होता कैसे है, समझने का प्रयास करिए। बाइनरी ऑपरेशन को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले दो तीन स्टेप में तुमको समझाते हैं। पहला स्टेप हम चलो इसकी डिफिनेशन बताएंगे हम। DEFINITION, ओके। इसके बाद में हम लोग एक चीज देखेंगे, कॉम्यूटेटिव। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शायद क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय, ओके। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव। इसको शायद हम लोग बोलते हैं सहचर्य, ओके। इसके बाद में हम लोग एक चीज और देखेंगे जो होगा आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? तत्समक, ओके, तत्समक। उसके बाद में एक और चीज हम लोग देखेंगे इनवर्स, ओके। इनवर्स अर्थात प्रतिलोम, इसका अर्थ हमें विधिवत पता है। बी साइलेंट, आप समझिए बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है। एक्चुअल में सबसे पहले तो ये समझें कि क्या होते हैं, ठीक। पहले टॉपिक की हम बात करते हैं। इसमें एक तरीके से ये एक प्रकार का सेट होता है, ठीक है। एक ऐसा सेट होता है जिस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट उसमें उपस्थित होते हैं, हाँ, और उन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में कोई ऑपरेशन लगाया जाएगा। अभी कुछ भी मत पूछिएगा, मैं जब पूरा समझा लूँ उसके बाद में क्वेश्चन बचे तब आप लोग पूछना, ठीक। उन दो क्रॉस प्रोडक्टों के बीच में या फिर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में एक ऑपरेशन लगाया जाएगा, और वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो संख्या निकलेगी वो भी अगर उसी सेट से बिलोंग करेगी तो वो ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। समझे, मतलब मान लिया एक जेड एक सेट है इंटीजर का, ठीक है। इसमें प्लस माइनस सारे वैल्यूज हैं, प्लस वाले माइनस वाले, जीरो है, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस थ्री है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सारे वैल्यूज हैं। मैंने बोला कि दो नंबर लेने हैं और उनके बीच में एक ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन को हम लोग व्यक्त करेंगे, इसको हिंदी में बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया, ओके। द्विआधारी संक्रिया, ओके। अब ध्यान से देखिए संक्रियाएं, ओके, ठीक है। द्विआधारी संक्रियाएं, अब ध्यान से देखो जरा, इसमें क्या होगा, दो नंबर्स लेना है, ठीक है। उन दो नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन को हम लोग व्यक्त किससे करेंगे, ध्यान से देखो। ऑपरेशन को हम लोग व्यक्त करेंगे स्टार से, ओके। स्टार से हम लोग व्यक्त करने वाले हैं। स्टार का मतलब क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। स्टार का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, जो भी उसमें दिया होगा उसका वैल्यू। स्टार का कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है कि इसका मतलब प्लस है या माइनस है, कुछ भी नहीं है। हम इसको गुणा भी नहीं समझ सकते, अपने आप कुछ नहीं समझेंगे, कि हर क्वेश्चन में स्टार का मतलब बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इस ऑपरेशन, मतलब स्टार को हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे, इस ऑपरेशन का मतलब प्लस है या माइनस है या कुछ भी है वो उसमें दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर दिया जाएगा कि ए स्टार बी, ठीक है, और यहाँ पर बता दिया जाएगा ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी। तो डिफाइन हो गया कि स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। जैसे दे दिया गया ए स्टार बी, इसमें दे दिया गया ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी, डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन में अपना दे देगा।
जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस ऐसे ही दे, ऐसे भी दे सकता है, ए स्टार बी इक्वल में ए बी प्लस वन ऐसे दे देंगे कि ए बी की गुणा करो उसमें एक जोड़ दो, इसका अर्थ ये हुआ। जैसे इसका हम जैसे दो और तीन के बीच में स्टार लगाएं तो क्या होगा, दो और तीन की गुणा करके एक जोड़ देना, ऑपरेशन का मतलब अब वो खुद डिफाइन कर देगा कि इसका अर्थ क्या है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर स्टार को हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जेड से कोई भी दो नंबर्स ले करके उसमें कोई ऑपरेशन लगाएं, और ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे प्लस वाला ऑपरेशन है तो जोड़ करके, जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी अगर इसी जेड में बिलोंग कर रहा है तो ऐसा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। समझो, समझो, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। मतलब मैंने मान लिया इस जेड में से कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है, और -3, दो नंबर ले लिए, और मैंने पहले ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया कि ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी। ओके, ऑपरेशन डिफाइन कर दिया और ये ऑपरेशन जेड में करना है, ठीक है। तो इसमें अब जेड में अगर ऑपरेशन करना है तो ध्यान से देखिए, ए का ए मतलब हमने कोई ले लिया 2 नंबर, और बी हमने -3 ले लिया, इनके बीच में हमें ऑपरेशन लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, 2 गुणे में -3, इसका आंसर क्या आएगा -6। तो हमने देखा जो ए था वो जड़ में बिलोंग कर रहा था, जड़ का था, जड़ से लिया था मैंने, बी भी जड़ से लिया था, और जो इनका ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आया है वो जड़ में है या नहीं। अगर ये भी जड़ में है तभी हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अगर ये जड़ में नहीं मिला तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल नहीं वाला ले लेते हैं तो समझ में आएगा कुछ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का एक सेट है, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आएंगे, ठीक है, और मैंने ऑपरेशन लिया एक ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का ऑपरेशन लिया। ओके, ए माइनस बी ऑपरेशन लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने ए का वैल्यू जो लिया, ए का वैल्यू हमने एन से ले लिया, कोई एन से कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने ए का वैल्यू मान लिया, ले लिया ए का वैल्यू, ले लिया मैंने 5, ओके, ए का वैल्यू ले लिया 5, ठीक है, और बी भी हमने एन से, ये दोनों एन से लेना ही है, हमें उसी सेट से लेना है, बी का वैल्यू हमने ले लिया, मान लिया 8, ओके, हमने इनके बीच में ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी, जो ऑपरेशन दिया था ए माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी, तो ये होगा 5 - 8, क्या निकलेगा -3। अब देखिए क्या -3 हमारा n में मिलेगा, भैया माइनस का नंबर नहीं n में होता है, n में माइनस का नंबर होता नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? मतलब बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जिन दोनों अंकों के बीच में हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं वो दोनों नंबर्स व दोनों अंक हमारे उस सेट से होने चाहिए, और जो इनके बाद में ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई ना? सबसे पहले क्या करना है बाइनरी ऑपरेशन में, हम अब ये कह सकते हैं, हम अब ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है जैसे ए स्टार बी, ठीक है, इफ ए स्टार बी इज बाइनरी ऑपरेशन, इफ ए स्टार बी इज बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ए स्टार बी अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो कब होगा, कब होगा, इसके लिए जरूरी है कि जो ए है वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो भी सेट दिया हो, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कुछ भी दे दो, सेट का नाम जेड देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, किसी भी जेड सेट की बात की है, कि ए स्टार बी अगर बाइनरी ऑपरेशन है जेड सेट पर तो इसका मतलब है ए जेड से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, बी भी जेड से बिलोंग कर रहा होगा,
और जरूरी है कि ए स्टार बी लगाने पर जो भी वैल्यू आए वो भी जेड से बिलोंग करे। ओके, अगर ये कंडीशन तीनों फॉलो होती हैं तो इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है, ए उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, और उनका ऑपरेशन जो निकल के आएगा वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो हम कहेंगे ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। बात क्लियर हुई ना, बात क्लियर हुई। चलो अब तो एक बात क्लियर हो गई, दूसरी बात, ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कॉम्यूटेटिव कब होगा, कॉम्यूटेटिव हमारा कब होगा ये पूछता है कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो कॉम्यूटेटिव कब होगा इसके लिए हम लोग एक बात देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब है क्रम विनिमेय, अर्थात हम बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्यूटेटिव तब कहेंगे जब ए और बी का ऑपरेशन, ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद में बी और ए के बीच में ऑपरेशन लगाएं, जस्ट अपोजिट कर दे, ठीक है, ए और बी के बीच में ऑपरेशन और बी और ए के बीच में ऑपरेशन लगाएं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। समझ पा रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए अगर है तो कॉम्यूटेटिव है। एग्जांपल, मैंने एक ऑपरेशन ले लिया जेड, जेड एक सेट ले लिया, ठीक है, जेड नहीं लेते हैं इसमें लगभग सब हो जाते हैं ना, एन एन ले लिया, ठीक है, और एन में मैंने हम जानते हैं कि ये सारे नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, ठीक, ए स्टार बी, और इसने बोला ए स्टार बी का मतलब ये है, ए स्टार बी का मतलब ये है कि ए ए ए स्टार बी का मतलब ये है कि ए अपान बी दे, ठीक है, ए अपान, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए अपान, ठीक है, तो ए स्टार बी का मतलब ए अपान बी अगर है तो हम इस पर ऑपरेशन लगाएं, जरा कोई भी, कोई भी दो नंबर्स ले लें, दो और तीन, मान लिया ये ए है हमारा और ये बी, ठीक है, इन पर ऑपरेशन लगाओ जरा, ए स्टार बी अगर हम निकालेंगे तो दो बटे तीन निकलेगा भाई, निकलेगा कि नहीं, और अगर हम बी स्टार ए निकालें तो तीन बटे दो, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव कब होता है, जब ए स्टार बी मतलब ए ऑपरेशन बी जब लगाएं और फिर बी ऑपरेशन ए निकालें, दोनों इक्वल आ जाएं। जैसे यहां पर अगर हम ये इस ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन कर देते ए प्लस बी, ए प्लस बी डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता भाई बता दो, 2 + 3 = 5, 6 बोल दिया यार, हम भी लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पर बी स्टार ए करो, 3 + 2 = क्या होता, दोनों इक्वल हैं, तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है। समझ पा रहे हैं ना, कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के, तब कॉम्यूटेटिव होगा। तो कॉम्यूटेटिव के लिए ये कंडीशन अपनी याद रखें, बात क्लियर, बात क्लियर, अभी नोट कर लेना सारी कंडीशंस लिखने हैं, तो ये मिटा दें फालतू के, समझाने के लिए मैंने बोला, वो याद रहेगा, ठीक है। अगली चीज, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव का अर्थ ये होगा, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव के लिए दो नंबर्स का होना ज़रूरी है और एसोसिएटिव के लिए तीन नंबर्स हमें लेने पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखिए, अगर हम ए स्टार बी पर ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, इसके बाद में जो वैल्यू निकले उसके बीच में ऑपरेशन तीसरे का लगा दें, ठीक है, फिर ए को छोड़ें, बी और सी के बीच में पहले ऑपरेशन लगाएं और जो वैल्यू आए उसके बीच में हम ए का ऑपरेशन लगाएं, मतलब ए बी सी, ए बी सी है तो ऐसे ही, लेकिन ब्रैकेटिंग थोड़ा सा अलग है, इसमें ए बी को पहले करना है ऑपरेशन के बीच में पहले लगाना है, इसमें बी सी के बीच में पहले लगाना है, बाद में ए के साथ करना है, इसमें ए बी के साथ करना है, बाद में सी के बाद करना है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो वो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एसोसिएटिव के लिए कंडीशन ये है, ठीक है,
ए स्टार बी पहले करें, बाद में सी के साथ में ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, वैल्यू प्राप्त करें, उसके बाद में बी और सी के ऑपरेशन पहले पहले करें, इसको पहले हल करें और बाद में ए के साथ में ऑपरेशन उसका करें, तो देखते हैं वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, अलग अलग आती हैं तो फिर वो एसोसिएटिव नहीं है, अगर सेम आती है तो फिर वो एसोसिएटिव है। बात क्लियर हो गई ना? एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग समझ लेंगे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये बाइनरी ऑपरेशन का कोई टाइप नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी उसमें पूछ देता है कि इस बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी है या नहीं है। कुछ बाइनरी ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनमें आइडेंटिटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आइडेंटिटी नहीं होती है। जिनमें आइडेंटिटी होती है उनका ही हम लोग इनवर्स भी निकाल सकते हैं, जिनमें आइडेंटिटी ही नहीं है उसका हम इनवर्स निकाल नहीं सकते। अब आइडेंटिटी का अर्थ क्या है ये समझ लें। आइडेंटिटी का अर्थ तो हिंदी में तत्समक है, ठीक है, लेकिन इसका हम मैथमेटिकली अर्थ समझते हैं। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी एक ऐसा अवयव होगा जिसके साथ में हम किसी का भी ऑपरेशन लगाएं उसका वैल्यू चेंज ना हो। मतलब मैंने ए के साथ में ऑपरेशन लगाया एक ऐसे अवयव का ऑपरेशन लगाया कि ऑपरेशन लगाने के बाद में भी वो ए ही रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो बी वाला वैल्यू था इसे आइडेंटिटी कहते हैं। अब आइडेंटिटी को हम बी से व्यक्त नहीं करेंगे, आइडेंटिटी को हम ई से व्यक्त करने वाले यहां पे। मतलब ए कोई भी नंबर होगा, उसके साथ में एक ऐसा अवयव कोई है कि उसके साथ में हम ऑपरेशन लगाएं, मतलब आइडेंटिटी के साथ में जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ए ही रहेगा। एग्जाम्पल, एक ऑपरेशन मैंने दिया ए प्लस बी का, ओके, ठीक है, यहां पर हम थ्री ए का नंबर मान लिया और हम यहां पर थ्री का थ्री ही आंसर पाना चाहते हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? प्लस करना है, इसका अर्थ है थ्री प्लस कुछ लेना है कि थ्री ही रहे, तो यहां पर एक्स क्या होगा? जीरो होना चाहिए, अर्थात यहां पर जो आइडेंटिटी है वो जीरो है। आइडेंटिटी हमको ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिटी हमेशा हमको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही ढूंढेंगे, ए आइडेंटिटी इक्वल जो भी होगा वो लिख लेंगे, जैसे जैसे दिया ए आइडेंटिटी ई इक्वल ए, ठीक है, यहां पर ऑपरेशन लगा देंगे, प्लस का दिया होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस का दिया होगा तो माइनस लगा देंगे, यहां पर अगर प्लस का दिया है तो हम लोग प्लस का आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी निकालना है, ए को उधर कर दो, भैया निकल के आ गया कि आइडेंटिटी हमारा जीरो ही था, कोई दिक्कत, आइडेंटिटी इस तरह से हम लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है, ऑपरेशन चेंज कर दिया जाए आइडेंटिटी बदल जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया ये ऑपरेशन ए इंटू बी का, ठीक है, ए इंटू बी का ऑपरेशन लिया, आइडेंटिटी देखिएगा चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा? ए इक्वल हमें तो ए ही पाना है, ऑपरेशन लगाइए ये वाला, मतलब ए इंटू ई करना है, ए इंटू ई करना है, ए गुणे ई करना है ना, बराबर में ए, ई निकालना है तो ए अपान ए, भैया क्या आया? मतलब वन है, यहां पर हम अगर वन कर दें ए स्टार वन तो वन ए ही आएगा, करके देख लो भाई, ए की एक के साथ गुणा करो ए आएगा, समझ रहे ना? तो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है कि हम उसके साथ में जब भी किसी भी वैल्यू का ऑपरेशन करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आशीष? बात क्लियर है ना? क्लियर है? मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी हमको हमेशा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे कैसे, तो ये अपना फॉर्मूला याद रखेंगे, आइडेंटिटी जब भी ढूंढना है तो ए स्टार ई इक्वल ए रख देंगे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन दिया होगा ए स्टार ई के बीच में वो ऑपरेशन लगा देंगे, हल कर लेंगे, ई का मान निकाल लेंगे, ठीक है, ये ई का वैल्यू ऐसा होगा कि हम इसके साथ में अब किसी का भी ऑपरेशन करें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, ए स्टार ई ए ही रहेगा, बी स्टार ई बी ही रहेगा, पाँच स्टार ई पाँच ही रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? बात क्लियर है? ठीक, तो आइडेंटिटी की हमारी बात हो गई, ए शांत रहिएगा,
तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी के बारे में ये कि इसमें ए स्टार ई इक्वल ए लिखेंगे, यहाँ पर जो ई है इसी को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ए स्टार ई करेंगे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, जो ई होगा वही आइडेंटिटी होगा। अब बात करें इनवर्स, इनवर्स इनवर्स कैसे निकालता है, प्रतिलोम हमें निकालना होगा। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जब भी हम किसी नंबर का उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब समझो, मतलब समझो। अच्छा बोलो दो का इनवर्स क्या होता है? बिल्कुल दो, गलत बातें हैं ना। देखो दो के इनवर्स दो हो सकते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग होगा, गुणात्मक प्रतिलोम अलग होगा और एडिटिव इनवर्स अलग होगा, योज्य प्रतिलोम जिसे बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब भी निकालना हो तो उसका पलट दो, निकल आया। एडिटिव इनवर्स अगर निकालना है योज्य प्रतिलोम तो उसका निशान बदल दो, दो का माइनस दो, पाँच का माइनस पाँच, छः का माइनस छः। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है ये। अब ऑपरेशन जैसा दिया होगा उसके अनुसार हम लोग लेंगे ये इनवर्स। ठीक है, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीपल में है, ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी, अगर ऐसा है ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी अगर है तो ऐसी स्थिति में हम उसका इनवर्स 1/2 लेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम 2 और इसके इनवर्स की गुणा कराएं तो क्या आएगा? 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, होती है ये आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर का ले लो, 5 के साथ में 1/5 कर लो, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 6 के साथ में 1/6 कर लो तो 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, मतलब गुणन में अगर आइडेंटिटी पूछी जाए तो 1 होती है, हर नंबर की 1 होती है। मतलब 1 से अगर किसी नंबर का गुणा कर दो भाई उसका वैल्यू नहीं बदलता, 5 की 1 से करो तो 5 ही रहेगा, 6 की करो तो 6 रहेगा, समझ रहे ना? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी मिलेगी कब हमको? जब हम किसी भी नंबर का उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से गुणा कराएंगे या उसका ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ए1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि कोई भी नंबर, ठीक है, और उसके साथ में ऑपरेशन लगाएं इसके इनवर्स का, इनवर्स का अर्थ यहाँ पर दोनों होंगे, इनवर्स का अर्थ ये भी होगा मल्टीप्लिकेटिव होगा तो 1, गुणन वाला होगा तो 0 होगा। भाई 5 में 0 जोड़ो तो 5 रहेगा, 10 में 0 जोड़ो तो 10 रहेगा, तो 0 क्या आइडेंटिटी है? योज्य वाली है, समझ पा रहे ना? तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू उसके अनुसार होगा। ठीक है, इनका जब हम मल्टी मतलब इनके बीच में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक आइडेंटिटी मिलेगी। किसी भी नंबर के साथ में उसके इनवर्स का अगर हम ऑपरेशन लेते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मिलती है। 5 का 1/5 के साथ में ऑपरेशन लें गुणन वाला तो आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, 3 का 3 गुणे 1/3 1 आएगा, आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखें, इनवर्स के लिए ये बात याद रखें कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ठीक, ये बातें नोट कर लीजिए जल्दी से। डिफिनेशन में आप ये याद रखें, ए और बी दोनों जड़ से बिलोंग करने चाहिए और साथ में उसका ऑपरेशन जो लगाने पर संख्या है वो भी जड़ में बिलोंग करनी चाहिए, तभी वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। कॉम्यूटेटिव कब होगा? जब ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होगा तो कॉम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव कब होगा? जब ए स्टार बी का ऑपरेशन लगाने के बाद में हम सी के साथ में ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद में हम बी ऑपरेशन सी करके ए के साथ में बाद में करें तो दोनों इक्वल आते हैं तो वो एसोसिएटिव होगा। ठीक है, आइडेंटिटी हम कैसे निकालते हैं? तो ये फॉर्मूला याद रखें, ए स्टार इक्वल में ए रहता है,
ठीक है, और इन्वर्स निकालना होगा तो ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल ई आता है हमेशा। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखें, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, इसको सब मिटा देते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, अब हमें पहला क्वेश्चन इसमें देखना है और समझेंगे हम लोग अब पूरी कहानी। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया, संक्रिया अर्थात ऑपरेशन, स्टार यहां पर दिया है, ठीक है, से एक द्वि आधारित, जरूरी नहीं कि स्टार से ही व्यक्त किया जाए, कोई भी साइन दे सकता है, स्टार कहीं पर देगा, आगे चल करके आप देखोगे इस तरह से भी कोई साइन दे देगा, तो वो स्टार जरूरी नहीं कि स्टार ही कहे, ऐसे दे दे तो उसका मतलब भी हम लोग स्टार ही समझेंगे, ऑपरेशन है, कोई भी चिन्ह वहां पर दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, संक्रिया स्टार से एक द्वि आधारित संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्वि आधारित संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। सबसे पहले बताना है कि स्टार जो है ये द्वि आधारित संक्रिया है या नहीं है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका औचित्य भी बताना है, क्यों नहीं है, मतलब दिखाना है कि आपको आखिर ये क्यों नहीं है द्वि आधारित संक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में है 3-4 पार्ट, उसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। एक देखिएगा, इसमें एक सेट दिया है जेड प्लस, जेड प्लस का अर्थ क्या है बताएंगे, जेड प्लस का अर्थ है कि जेड में इंटीजर होते हैं, इंटीजर में प्लस माइनस सब होते हैं, इसमें केवल प्लस वाले लेने हैं, प्लस वाले इंटीजर लेने हैं, मतलब माइनस वाले नहीं है, तो इसका मतलब हम सब कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एक तरीके से। ठीक है, तो जेड प्लस में एक ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, और ए स्टार बी का अर्थ इन्होंने बताया है ए माइनस बी, परिभाषित संक्रिया ये जो है स्टार ये द्वि आधारी है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं, सोचिए जरा, हम यहाँ पर देखें कि ए बिलोंग कर रहा है जेड से, जेड प्लस से मान लिया, ठीक है, कि ए जेड से, जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, एग्जांपल से भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ए मान लिया जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी भी जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, अब ए स्टार बी जो है, ए स्टार बी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए हमारा जेड प्लस से, अगर ऐसा होगा तभी हम कहेंगे ये ऑपरेशन बाइनरी है, अदरवाइज। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के, लेट ए इक्वल क्या मानने, ए इक्वल एक मान लिया, एग्जांपल ले लेते हैं कोई ना कोई, ठीक है, जेड प्लस का ही कोई एलिमेंट लेना है, ठीक है, तो वन तो होगा ना जेड प्लस में, ठीक है, बी इक्वल हमने 3 मान लिया, ठीक है, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, अब इस पर ऑपरेशन लगाओ जरा, ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है भैया ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि 1-3, 1-3 का मतलब हुआ -2, क्या -2, क्या -2 जेड प्लस में होगा, -2 जेड प्लस में मिलेगा, जेड प्लस में केवल पॉजिटिव वाले हैं इंटीजर, ठीक है, जेड प्लस में नहीं मिलेगा, इसका मतलब है ए स्टार बी इज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, दिस इज नॉट, या फिर स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसका हमने दे दिया कारण भी, क्यों नहीं, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, पहचानना था ऑपरेशन है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो पहला हो गया ये ए बी, हाँ दोनों सेम, देखो हमने क्या बताया, एक मना करने के लिए एक गलती आप निकाल लो, खत्म, अगर है तो सब होना चाहिए, कोई भी नंबर लेने सब में होना चाहिए, अगर कोई एक भी अगर गलत आ गया, नहीं है, तो इसका मतलब है फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसे होने के लिए हम ऐसे देखें तो अभी हम कर देंगे, ए को 5 ले लें, बी को 2 का ले लें, 5-2 3 बनेगा, तो ऐसे ऐसे नहीं, एक एक होना ज़रूरी नहीं है, सारे होने चाहिए, हम कोई भी वैल्यू ले लें, ए हम तो
मतलब फ्री है कि ए का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बी का वैल्यू कुछ भी ले लें, और कुछ भी लेने पर वो हमेशा जेड प्लस ही आना चाहिए। एक बार भी जेड प्लस नहीं आया तो मतलब नहीं है, ठीक है, नोट कर। फर्स्ट वाला हो गया, इसका सेकंड पार्ट अभी करेंगे। आगे देखिए, इसको समझ में क्या नहीं है, एक बार देखिए, मतलब हमने बताया इसमें हमको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। चेक हम कैसे करते हैं, कोई भी नंबर ले लें वो जेड से बिलोंग हो, मतलब जो सेट दिया गया हो, जेड दिया हो, जेड प्लस दिया हो, जैसे जेड प्लस दिया है तो हम कोई भी एक नंबर लेंगे वो जेड प्लस से बिलोंग है। मैंने ले लिया यहाँ पर वन, वन जो है वो जेड प्लस में होगा कि नहीं होगा, तो ए का वैल्यू मैंने वन ले लिया, ठीक है। बी का वैल्यू हमने कुछ लिया और बी भी कहाँ से होना चाहिए, जेड प्लस से ही होना चाहिए, तो बी का मैंने वैल्यू एक ले लिया, मान लिया कोई भी तीन ले लिया, और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जेड प्लस ले लिया, ठीक है। कैंसिल, हम कैंसिल करने का प्रयास करते हैं, जब कैंसिल करने पर भी कहीं पर गलती मिलती ही नहीं है तब हम कहते हैं कि ये है भाई बाइनरी ऑपरेशन। हम प्रयास क्या करते हैं, हम प्रयास करने की कि उसको गलत साबित करें, लेकिन जब पूरी कोशिश कर लें और हमारी कोशिश कामयाब ना हो सके तब हम कहते हैं कि अब ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर किसी भी कोशिश में एक जगह पर भी हमने उसको गलत साबित कर दिया तो समझ लो वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ले लिया वन, बी का वैल्यू ले लिया थ्री। बाइनरी ऑपरेशन के लिए जरूरी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब हम ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी जेड प्लस का ही होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, वन और थ्री के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया। ये देखो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर था ए माइनस बी, ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी। ए हमने लिया था वन, बी लिया था थ्री, ऑपरेशन लगाया, वैल्यू आया माइनस दो, लेकिन माइनस दो देखा जेड प्लस में होगा ही नहीं, क्योंकि जेड प्लस में तो प्लस वाले सारे वैल्यू होंगे। इसका मतलब है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए बिलोंग करना चाहिए था जो कि नहीं कर रहा है, अर्थात ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। ठीक, तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, स्टार प्लस, पुनः एक सेट दिया है स्टार प्लस का ही, और इसमें अब की बार ए स्टार बी जो दिया है वो ए बी दिया है, ए और बी का गुणा, ठीक है, द्वारा परिभाषित संक्रिया है। अब ये बताना ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। भैया ए जो है वो भी प्लस का होगा, बी भी प्लस का होगा, क्योंकि जेड प्लस से ही लेने हैं, जेड प्लस में सारे प्लस के वैल्यू होंगे, ए प्लस का होगा, बी प्लस का होगा, और दोनों वैल्यू जब प्लस के होंगे हम दोनों के साथ में गुणा करेंगे तो क्या कहीं पर माइनस आ सकता है, नहीं, वो प्लस का ही वैल्यू आएगा, और अगर प्लस का ही वैल्यू आएगा तो वो जेड प्लस में कहीं ना कहीं होगा जरूर। हम कोई भी वैल्यू ले लें, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू ले लें, वो प्लस का ही आने वाला है, अर्थात ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, समझ रहे ना। हम क्या कर सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा और B belongs to Z plus, ठीक है, ठीक है। Then ये if लिख दें, if A belongs to Z plus, B belongs to Z plus, then A operation B, मतलब A B belong करेगा Z plus में, ये भी Z plus में belong करेगा, ठीक है, अर्थात ये binary operation होगा, ठीक है। कोई नंबर लेकर के हम नहीं दिखाएंगे, दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो दिखाना चाहते हो दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्टार, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ओके। तो ये हो गया, चेक हो गया। इसके बाद में तीसरा दिखाना है, भैया तीसरा होगा कि नहीं होगा देख लो एक बार, देखो क्या होगा नहीं होगा। ए स्टार बी, ए और बी का स्क्वायर जेड प्लस से ही है ना, नहीं रियल नंबर है भाई, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसमें सब कुछ होगा, प्लस माइनस बटे अटे दशमलव रूट सब होगा, ठीक है। और जब हम ए और बी स्क्वायर का जब गुणा करके कोई भी वैल्यू निकालेंगे वो भी कोई ना कोई तो वैल्यू निकल के आएगी, दशमलव में आए, रूट में आए, या बटे में आए, किसी प्रकार की वैल्यू होगी, वो आर में तो होगी ही, क्योंकि आर तो सब कुछ है, तो आर की तो वैल्यू आई जाएगी। इसका मतलब है ये बिलोंग करेगा, अर्थात ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, होगा ना, होगा, ऐसे लिख देंगे,
यहाँ पे लिख देना ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड आर, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ, जेड प्लस संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। देखो पहला वाला और चौथा वाला है तो लगभग सेम, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस लगा है, वहाँ पर मॉडुलस नहीं था। यहाँ पर देखिए भाई फोर्थ वाला ध्यान से देखो ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का मॉडुलस है, ठीक है, और सेट दिया है जेड प्लस। भैया ए ले लो, छोटा बड़ा ले लो, कोई भी ए ले लो एक, बी ले लो पाँच, घटाओगे जब तो एक माइनस पाँच छः आएगा, छः तो जेड प्लस में नहीं बिलोंग करेगा, लेकिन मॉडुलस छः जब होगा तो प्लस का ही छः बाहर निकलेगा। मॉडुलस से बाहर जब कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस की निकलती है, मॉडुलस के बाहर प्लस की निकलेगी तो प्लस का आएगा, प्लस छः तो उसमें होगा, प्लस छः होगा कि नहीं होगा, प्लस छः तो होगा, प्लस से अगर है तो इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझिए एक बार समझो भाई, मॉडुलस थ्री का वैल्यू थ्री, मॉडुलस माइनस थ्री का वैल्यू बेहतर, अंदर माइनस है बाहर निकलेगा तब भी प्लस है, प्लस है तब भी प्लस है, क्या ओ अच्छा ये गलती ढूंढ रहे हो यार, ओके माइनस फोर, ओके तो माइनस फोर तो जड़ में बिलोंग नहीं करेगा। अगर मॉडुलस ना होता तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन मॉडुलस है इसलिए बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए ना ये बात, ठीक है। तो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है, पहले वाला नहीं था, ठीक है, बात क्लियर है। इसी प्रकार लास्ट वाला है फिफ्थ, ए स्टार बी इक्वल ए द्वारा परिभाषित, ए स्टार बी इक्वल ए, ध्यान से देखो ए स्टार बी इक्वल ए, ए स्टार बी इक्वल ए, ए स्टार बी इक्वल ए, ये होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो जेड प्लस दिया है, भैया ए जेड प्लस से बिलोंग करेगा, जेड प्लस से बिलोंग करेगा, बी जेड प्लस से बिलोंग करेगा, ठीक है, और इस पर जो ऑपरेशन लगाओगे वो क्या निकलेगा, ए, ए ऑलरेडी हमको पता है जेड प्लस में है, तो इसका मतलब जो ऑपरेशन लगाने के बाद ए ही आना है, और ए तो जेड प्लस का तो है ही, तो ये तो हो गया ना, ठीक है। तीन और चार लिया, और तीन चार लेने पर उत्तर तीन आ रहा है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ऐसे दिया थ्री स्टार फोर, और आंसर इसका क्या आना है, ए स्टार भी लेंगे तो ए वाला आंसर होगा, तीन आएगा, तो तीन पहले से जेड में बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, बात क्लियर है। तो ये पांचों पार्ट हो गए हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले दिन, आज क्लास यहीं तक।